प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माता की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी वजह क्या हो सकती है? प्रश्न ये है, प्रश्न पूछा जाएगा इस तरह का जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? माता से बच्चे का रिश्ता ममता पर आधारित होता है, जबकि पिता से स्नेह आधारित होता है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता होती है। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति और प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। प्रश्न दो, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? क्षण में रोना, क्षण में हंसना बच्चों का स्वभाव होता है। भोलानाथ भी बच्चे की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल व हुड़दंग के साथी हैं। अपने मित्रों को मजाक करते देखकर वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगता है। उसी मग्नावस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? भोलानाथ और उसके साथी खेल के लिए आंगन और खेतों में पड़ी चीज़ों को ही अपना खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों की फलें, गीली मिट्टी, घर के छोटे मोटे सामान आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वह खेलकर खुश होते थे। परंतु आज के बालक जो खेल खेलते हैं वो पूर्णतया भिन्न है। हमारे खेलने के लिए क्रिकेट का सामान, किचन सेट, डॉक्टर सेट, तरह तरह के वीडियो गेम, कंप्यूटर, आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन भोलानाथ जैसे बच्चों की खेलने की सामग्री आसानी से व सुलभता से बिना खर्च किए ही प्राप्त की जा सकती है, जबकि आजकल के बच्चों की सामग्री बाज़ार से खरीदनी पड़ती है। प्रश्न है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। उत्तर है, भोलानाथ जब अपने पिता की गोद में बैठा हुआ आईने में प्रतिबिंब को देखकर खुश होता है, तो वह अपने पिता द्वारा रामायण का पाठ छोड़कर देखने पर जाकर वह मुस्कुराकर आईना रख देता है। यहाँ बच्चों को अपने अक्ष के प्रति जिज्ञासा भाव बड़ा ही मनोहर लगता है और उसका शर्माकर आईना रख देना बहुत ही सुंदर वर्णन है। बच्चों द्वारा बरात का स्वांग रचते हुए दुल्हन को लिवा लाना और पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना, बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है, तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता स्वांग उनका बचपना। बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना, बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना बड़ा ही आनंदमयी प्रसंग है। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति में किसी प्रकार के दिखावे का अभाव था। लोग बहुत ही सीधे साधे हुआ करते थे। लोग परस्पर मिलजुल कर रहा करते थे। किसी भी पर्व त्यौहार को पूरे उत्साह के साथ मनाते थे। गांव में बचपन से खेल खेल में वे वैसे ही बातों को सिखाया जाता था जिससे बड़े होकर अपने कार्यक्षेत्र में प्रवीण हो जाए और व्यवहारिक भी बन जाए। आज की ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी बदलाव आए हैं। अब गांव में दूषित राजनीति के पांव पसारने के कारण लोगों के अंदर जाति, धर्म, संप्रदाय और अमीर गरीब जैसे भेदभाव पनप गए हैं। आज के गांव में लगभग सारी शहरी सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो रही हैं। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क और खेती के वैज्ञानिक साधन सब उपलब्ध हैं। प्रश्न है,
यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य भाव प्रकट हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। कैसे लिखेंगे? भोलानाथ के पिता अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेह रखते थे। सुबह से लेकर शाम तक जितना भी समय मिलता वे भोलानाथ के साथ बिताते थे। भोलानाथ को सुबह जगाना, नहलाना, अपने साथ पूजा के लिए बिठाना, अपने साथ मछलियों को चारा खिलाने ले जाना और उसके सभी खेल में उसके साथ शामिल होना उनके गहरे लगाव को बताता है। भोलानाथ की माता वात्सल्य और ममत्व से भरपूर माता है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित रहती है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान और फैसे कांपता देखकर भी माँ स्वयं रोने और चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममतालुपन इतना अधिक भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है। उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है। माता का आचार्य शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक बताइए, प्रश्न है। तो लेखक ने इस कहानी का नाम माँ का आंचल उपयुक्त रखा है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्र छाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं। विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं, परंतु जब वह सांप को देख कर डर जाता है तो पिता की छत्र छाया के स्थान पर माता की गोद में छिप कर प्रेम व शांति अनुभव करता है। माता उसके भय से भयभीत है, दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर सुध-बुध खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख और प्रेम का अनुभव करवाता है। इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक और हो सकता था माँ की ममता, क्योंकि कहानी में माँ का स्नेह प्रधान बताया है। प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? उत्तर कैसे लिखेंगे? बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरह से करते हैं। पहला, माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर। दूसरा, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके। तीसरा, माता पिता से रोध होकर या जिद करके कुछ मांगते हैं, फिर बाद में अपना प्रेम अलग अलग तरीके से जाहिर करवाते हैं। माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घूमने ले जाने की या अपने साथ खेलने को कहकर। माता पिता को अपने दोस्तों के बारे में या रिश्तेदार के बारे में पूछकर। प्रश्न है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है? यह कहानी उस समय की कहानी प्रस्तुत करती है जब बच्चों के पास खेलने के लिए अत्यधिक साधन नहीं होते थे। ये लोग अपनी खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन, गिल्ली डंडा आदि साधन होते थे, जिससे खेल करके वो अपना पूरा दिन बिता देते थे। परंतु आज के बच्चों की दुनिया इन बच्चों से भिन्न है। अभी कंप्यूटर गेम, टीवी गेम, क्रिकेट, बहुत सारे ऐसे गेम्स आ गए हैं जो पहले के समय से बहुत ज़्यादा भिन्नता लिए हुए हैं। आज के बच्चे टीवी, कंप्यूटर आदि में ही अपना समय व्यतीत करते हैं या फिर क्रिकेट, बैडमिंटन, चॉकलेट, पिज़्ज़ा आदि में ही अपना बचपन बिता देते हैं। घूमने जाने के लिए उनके पास बड़े बड़े मॉल हैं, खासकर शहरी बच्चों के पास। गांव के बच्चे आज भी इस प्रकार की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जैसा कि प्रस्तुत कहानी में बताया गया है। आज भी गांव में बच्चे अपने खेल स्वयं बनाते हैं, कुछ मिट्टी के ठेकरों से, कुछ गिल्ली डंडा से, कुछ लकड़ी के टुकड़ों से, कुछ झाड़ू के तिनकों से, यहाँ तक कि मिट्टी से भी वो अपना गेम खुद बना लेते हैं, जिसमें
उनके माता पिता को कोई खास पता नहीं होता कि वो किस प्रकार के गेम से खेल रहे हैं, लेकिन आधुनिक बच्चे जो हैं, खास करके शहरी बच्चों के पास कंप्यूटर और टीवी गेम जब से आए हैं तो वो अपना समय अधिकांशतः टीवी आदि पर बिताना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों तरह के समय में बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई देता है। आधुनिकता और प्राचीन युग में जो समय का अंतर है वो इस कहानी में हम स्पष्ट देख सकते हैं कि पहले बच्चों का बचपन कैसा होता था और आज के बच्चों का बचपन कैसा होता है।